आदाब, मैं निशात, आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल, को-स्पॉन्सर्ड बाय नायरा डिटर्जेंट पाउडर। खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल। खबर आसनसोल उर्दू को स्पॉन्सर्ड बाय नायरा डिटर्जेंट पाउडर। सोमनाथ बिस्वाल ने बुम्बा मुखर्जी को जान से मारने की कोशिश की, ये इल्जाम बुम्बा मुखर्जी की बीवी ने लगाया। उन्होंने बताया कि कल रात जब वो उखड़ा से घर आए, गोराई रोड में वाके उनके घर के सामने सोमनाथ बिस्वाल ने उन पर हमला कर दिया। गोली भी चलाई गई मगर गोली उन्हें नहीं लगी, पांव और चेहरे पर चोट आई है। बुम्बा मुखर्जी फिलहाल आसनसोल जिला अस्पताल में जेर इलाज है। ঘটনাটা এই ঘটেছে যে রাত্রিবেলায় মানে উনি বুম্বা মুখার্জি আসছিলেন বাড়ির থেকে, উখড়া থেকে। তো রাত 1:30 মানে ওইরকম নাগাদই হবে, 1:30-1:30 সময় আপনার হঠাৎ কালী মন্দিরের সামনে মানে আমাদের বাড়ির সামনে ঘটনাটা ঘটেছে। কালী মন্দিরের সামনে ওখানে ড্রাইভার গাড়ি পার্কিং করছিল, আর হঠাৎ এসে অ্যাটাক করে সোমনাথ বিশ্বাল, আর ওর আরও সব দু চারজন ছিল ওর সাথে, ওর বডিগার্ড ছিল, এসে হঠাৎ ধাক্কা মারে মেরে ফেলে দেয়, তারপরে ফায়ারিং করে। মেন ব্যাপার হচ্ছে ওকে মার্ডার করার জন্য এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে, কিন্তু পারেনি, লোকজন চলে এসেছিলো, আমার ড্রাইভার ছিল, ড্রাইভারও চলে এসেছিলো, সেই কারণে ওনাকে মার্ডার করতে পারেনি। চাইছি যে সোমনাথ বিশ্বালকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করা হোক, আর আমরা চাই, আমরা জাস্টিস চাই। মানে মেন ব্যাপার হচ্ছে আমরা যাচ্ছি এফআইআর করতে, অলরেডি এখান থেকে যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, হসপিটালে ভর্তি আছেন উনি, মাথায় লেগেছে, হাত ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, হাঁটতে লেগেছে, মুখে মুখ মেরে মানে ইয়ে করে দিয়েছে। ফায়ারিং করেছে, দু চারবার ফায়ারিং করেছে, ফলস ফায়ার করেছে, আর মার্ডারের জন্যই এটা কিন্তু এসেছিল, এটা একদম বোঝা যাচ্ছে, কারণ রিভলভার ছিল ওদের হাতে। শাহবাজ আনসারী ও শাহনাজ নে ঘর সে ভাগকর কোর্ট ম্যারেজ কি दिल्ली कलकत्ता जाने के बाद वापस आसनसोल लौटना पड़ा। शहबाज घर वालों से मिलने रेल पार गया तो वो दोबारा शहनाज के पास वापस नहीं आया। शहनाज का इल्जाम है कि घर वालों ने शहबाज को छुपा दिया है, जबकि उसके घर वालों का कहना है कि वो लापता है। थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंची शहनाज ने कहा। ৩:৩ हमको बार बार लड़का था जो शहबाज अंसारी, वो बार बार बोल रहा था कि मेरा साथ चल दे, जब हम एग्ज़ाम देने वाले थे तो उसे एग्ज़ाम भी देने दरकार नहीं है, मेरा साथ चल, अगर ठीक है और नहीं जाएंगे तो नागर हम नहीं जाएंगे, जाने का दिन भी हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, आपका घर में भी परेशान होगा, मेरा घर में भी परेशान होगा, एस एम एस में फिर अगर नहीं चलिएगा तो हम मर जाएंगे, पूरा अजीब अजीब बात यही है कि उसके बाद जाइए हिम्मत जताइए, चल गए घर से तो 21 तारीख जिस दिन बोर्ड का एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ वही 21 तारीख को शाम में 6 बजे हम लोग गए, उसके साथ हम चल गए दिल्ली रेजिस्ट्रेशन से दिल्ली गए, वहाँ पर जाके सादरा में उसका जॉब का एग्रीमेंट हुआ और 12,000 रुपये जमा भी किया, उसके बाद बोला कि मेरा जॉब तो लग जाएगा, ट्रेनिंग कलकत्ता में होगा तो हम यहाँ से कलकत्ता चल गए, और वहाँ पर डबसन रोड हरिद्वारी गेस्ट है, गेस्ट हाउस वहीं पर थे, वहाँ पे बहुत दिन रहने के बाद पैसा भी खर्च हो रहा था बहुत रहे, उसके बाद हम लोग 3 तारीख को जाके सियालदा कोर्ट में मैरिज किए, उसके बाद फिर हम लोग आ गए आसनसोल, इसलिए कि
कलकत्ता में उसका ट्रेनिंग बोल के फिर पटना में गया ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग तो दिया लेकिन वहाँ क्या जॉब था उसको पता नहीं चला, इसीलिए फ्रॉड बोल के वो कंपनी को छोड़ दिया। और उसके बाद 10 तारीख को आसनसोल में दिन भर थे, वो अपना भाई को फ़ोन किया था, भाई क्या बोला, रात में 8 बजे हम लोग गए, अगर प्रूफ लेना है कि वो उसका घर में सब बोल रहा है कि मिसिंग है ना, प्रूफ चाहिए तो आप जाके BNR एक तो ATM है वहाँ का, मतलब कैमरा को ऑन कीजिए वहीं पर से मिल जाएगा कि मिसिंग है या फिर और कुछ। हम लोग दोनों वहीं पे जाके खड़े, वो स्कूटी खड़ा करके बोला कि हम अपना भाई से मिलने जा रहे हैं, मेरा भाई बस अकेले आने, साथ में नहीं आने। गया मिला अपना BNR एक तो होटल है वहीं पर मिला अपना भाई से, और आने के बाद फिर हम उसका साथ में आए। रात भर स्टेशन में थे 10 तारीख का रात में, बोला कि मेरा भाई बोला कि घर में सब ठीक है, मेरा दादा हॉस्पिटल में है, माँ बाप बोले थे कि मर जाएंगे तो मिट्टी भी नहीं देने आएंगे, और कागज़ का कहे तो छोड़ दे उसको, हम कागज रद्द करा दें, उसका बड़ा भाई कागज कोर्ट का है तो कागज हम रद्द करा दें, वो हमको ये बात खुद बोला। उसके बाद हम घर आए, मतलब वहीं पर स्टेशन ही में थे, सुबह में हम उससे बात किए, बोले ऐसा कैसे, फिर वो अपना भाई को बार बार फ़ोन किया, पहले बोला कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे घर, आएंगे घर तो साथ में आएंगे, लेकिन लेकिन जब आने अब फिर उसका क्या मन में आया मैं मानूँ, अपना सब डॉक्यूमेंट्स तो पहले से ले ही चुका था। हम लोग वहाँ से स्टेशन से निकल के हमको चरवाड़ी में लाए, चरवाड़ी में ला के खड़ा किया हमको, जैसे रात में हम सोचे कि वापस आ जाएगा वैसे अभी भी वापस आ जाएगा। वो भाई से क्या तो डायरी लेके गया था अपना भाई को डायरी देने, वर्ल्ड का बहाने से हम जा रहे अपना भाई को डायरी देने, हम फिर आ जाएंगे तुम यहीं पे खड़ी रहो, और हम मेरा पास स्कूटी का चाबी दे के और गिरा। लेकिन हम स्कूटी लेके गए उसका पीछे, हम ये भी देखे कि वो अपना भाई का साथ बाइक में बैठा, हम सोचे कोई बात नहीं है भाई से मिले कि फिर आ जाएगा, ऐसे उसका मम्मी लोग उदास है थोड़ा। फिर हम खड़े रहे, वेट किए 2 घंटा, वेट करने के बाद हम बाइक चेक किए, बाइक चेक किया तो उसमें सिर्फ मेरा डॉक्यूमेंट्स था, मेरा कंप्यूटर का था, मेरा एडमिट था और मेरा सब कुछ था, लेकिन उसका कुछ नहीं था, उसका एक वो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। हम समझ गए कि चल गया अपना वर्क, हम गए उसका दुकान, दुकान गए हार्डवेयर का दुकान है, दुकान गए जाके बोले कि स्कूटी है बैग या बैग नहीं, तो वह उसका बाप पूरा हाथ जोड़ने लगे, उसका भाई आप जाइए आप उसका भाई आने लगे, ठीक है आप अपनी स्कूटी रख लीजिए अपने, बस हमको कुछ नहीं रखना तू ले जा, इतना बार बार जा रहे थे ऐसा कुछ नहीं, इतना देर धूप में खड़े थे। उसके खिलाफ आप लोग थाना में शिकायत दर्ज करने आए? हम उसके खिलाफ थाना में आए तो थाना और पानी में, उससे पहले हम कसाय मल्ला गए पानी में गए, 11 तारीख को घर आए थे वही दिन गए पहले हम पानी, वहाँ पर वही बात तो वही थी, मेचवल कराना है तो हम चलेंगे शाम में आप बोले, उसके हम लेकिन पुलिस था, हम सोचे नहीं केस खराब हो गया चल गया, लेकिन जब हम उसका घर गए पता चला कि ये लोग ऐसा ऐसा किया है, मिसिंग कंप्लेन लिखा दिया तो आएगा नहीं। फिर कल हम गए, कल गए तो वहाँ का पुलिस बहुत खराब खराब लैंग्वेज से बात कर रहा था, इतना खराब लैंग्वेज से कि हम बोल नहीं सकते, बहुत खराब खराब लैंग्वेज से बात कर रहा था, इतना खराब लैंग्वेज से कि हम बोल नहीं सकते, ऐसे हम सामने बोल नहीं सकते, लेकिन कसाई मान लो फाड़ी, हाँ कसाई मान लो फाड़ी, लैंग्वेज बहुत खराब है, इसका वजह से हम चुपचाप से चल रहे हैं। कसार माला का पानी में जो मेन है गाली उठता नहीं, पर इतना खराब जबान से बोला कि हम बोल नहीं सकते, मतलब नहीं आप लोग और उम्र से ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में, तू कुछ नहीं होता, वो ऐसे भी उसका भाई लोग बोल रहा था कि पहले से हम लोग इतना बड़ा आदमी है, ये हो सकता है कि पैसा उसको भी खिलाया गया हो, इसमें कोई नहीं है कि उसने कि वो हमको पहले भी बोल चुका था, पहले से 2 नंबर काम उसका भाई करे कोलवरी में इधर उधर, अच्छा बड़ा बड़ा वकील से दोस्ती है, पुलिस से दोस्ती है सबका, बड़ा बड़ा बाबू बड़ा, उसका भाई का नाम है टीपू, अच्छा हेल मिले तब इतना आसान से वो इसके रद्द करा देंगे कागज। नाज़रीन वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का, चमचमाती सफेदी के साथ हाथों का रखे ख्याल, नायरा एक नाम जो गंदगी का करे काम तमाम, नायरा अटूट रिश्तों की पहचान, ढुलाई का सुल्तान, झाग में दम और दाम भी है कम, सुंदर केमिकल वर्क्स की नायरा प्लस डिटर्जेंट पाउडर, नायरा वॉशिंग पाउडर, एक्शन नेहा डिटर्जेंट पाउडर,
नेहा डिटर्जेंट पाउडर या नायरा एक्टिव डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करें और चमचमाती सफेदी पाएं। खुदरा और थोक विक्रेता के लिए संपर्क करें। हाथों का रखे ख्याल, सफेदी दे बेमिसाल। सुंदर केमिकल वर्क्स, कॉल 9333121857 एंड 9333742004 पर। सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड तेल के जहरीले असरात से बचने के लिए सूरज ब्रांड का प्योर कच्ची घानी सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। FSSAI सर्टिफिकेट याफ्ता प्योरिटी और डेंसिटी के मामले में लिलाबा एनालिटिकल लेबोरेटरीज में साबित डबल फिल्टर सेहत के लिए बेस्ट खाने और दूसरी तरह से इस्तेमाल के लिए ग्रेड वन सूरज ब्रांड मार्का सरसों का तेल ही खरीदें। दो चीजों से हम समझौता नहीं करते, क्वालिटी और वेट। रोजमर्रा और शादी ब्याह के मौके पर रابطہ करें। सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल, बर्नपुर पश्चिम बर्दवान, मार्केटेड बाय ABU ट्रेडिंग कंपनी। श्री श्री आयुर्वेदा सेंटर, अच्छे स्वास्थ्य व कल्याण के लिए गुणवत्ता परक उत्पाद आयुर्वेदा ही व्यवहार करें और रहें स्वास्थ्य और सुंदर। श्री श्री आयुर्वेदा सेंटर में नामी ग्रामी कंपनियों के प्रोडक्ट जैसे श्री श्री आयुर्वेदा, पतंजलि, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू और व्यास के सभी प्रोडक्ट होलसेल और रिटेल दरों पर पाए जाते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ प्रत्येक महीने श्री रवि शंकर जी के बेंगलोर आश्रम से आयुर्वेदिक डॉक्टर आते हैं जो नब्ज देखकर आपके रोगों का आयुर्वेदिक पद्धति से सफलतापूर्वक इलाज करेंगे। तो रहे तंदुरुस्त और दिखे सुंदर। व्यवहार करें आयुर्वेदा प्रोडक्ट। श्री श्री आयुर्वेदा सेंटर, रोमी टावर, हाटर रोड, आसनसोल। मुसलसल 21 दिनों से HLG अस्पताल के सामने धरने पर बैठे अपने बच्ची को इलाज में लापरवाही की वजह से खोने वाले अक्षय घोष और उसकी बीवी ने 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। अक्षय ने बताया कि अब भी उनके मुतालबे पर गौर नहीं किया गया तो वो तामर्ग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, उल्टा उनके पोस्टर और बैनर को हटा दिया गया। ये है लाचार बाप और बेबस माँ जो बीते 21 दिनों से अपने ननिहाल की मौत का CBI जांच कराने की मांग पर धरने पर बैठी है और प्रशासन के कान में जूना रेंगता देख आमरण अनशन पर बैठ गए। अपनी बेटी खोने के बाद ये भी अपनी सामान्य जीवन जी सकते थे किंतु बार बार इस अस्पताल द्वारा हो रही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, डॉक्टरों को लापरवाही बरतने की सजा मिले ताकि फिर कोई माँ और बाप को अपनी संतान ना खोना पड़े, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता, ऐसा कहना है अक्षय घोष का। আমি 21 দিন ধরে ধর্ণায় বসে আছি এবং আজ 24 ঘন্টার জন্য আমি অনশন শুরু করেছি, হাঙ্গার স্ট্রাইক। যতদিন না আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তারা তাদের উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে ততদিন আমি এই ধর্ণা চালিয়ে যাব এবং অনশন চালিয়ে যাব। আগামী দিনে আমি আমরণ অনশন করব যাতে আমার মেয়ে সুবিচার পায়। आश्चर्य होता है हमारे समाज पर कि आज 21 दिन से शहर के एक नामी बेसरकारी अस्पताल के बाहर अपने बच्ची की मौत का सही जांच की मांग पर माँ बाप धरने पर बैठे हैं और हमारे माननीय कोई भी उनके आंसू पोंछने नहीं पहुँचे, जबकि धरना स्थल से कुछ ही दूरी पर जिला शासक का कार्यालय है, स्थानीय पार्षद का कार्यालय है और तो और क्षेत्र के विधायक सह मंत्री का घर भी है। कम से कम इंसानियत के नाते तो इनसे मिलना इन लोगों का फर्ज था। हद तो तब अस्पताल प्रबंधन ने कर दी, जांच करवाने का आश्वासन देना तो दूर, ऊपर से आवाज दबाने की कोशिश करने में जुट गई। आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग पोस्टर को हटा रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर अस्पताल के विरुद्ध लोगों का समर्थन मिल रहा है किंतु प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की खामोशी खल रही है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं निषाद, खबर आसनसोल।
खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल। खबर आसनसोल उर्दू को स्पॉन्सर्ड बाय नायरा डिटर्जेंट पाउडर। आज के लिए बस इतना ही, कल इसी वक्त इसी चैनल पर दोबारा होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।